हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2020 एग्ज़ाम सही चल रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 19 मार्च को सीबीएसई एक नोटिस रिलीज़ करता है जिसमें कहा जाता है कि सीबीएसई के बाकी बचे हुए एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और उसके बाद क्या हुआ ये सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम्स हो ही नहीं पाए और रिजल्ट्स जो हैं किस तरह से डिक्लेयर किए गए ये भी आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए तो उस रिज़ल्ट में बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, ऐसी टर्म्स ऐसी चीज़ें थी जिनको देखकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुए। और साथ ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने रिज़ल्ट को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम के मार्क्स सीबीएसई ने बिना एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए ही दे दिए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बिगड़ भी गया है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स बहुत सारी कन्फ्यूजन्स में हैं। उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, जैसे कि आरटी का मतलब क्या होता है, आरई का मतलब क्या है या आरपी का मतलब क्या है, तो इन सभी टर्म्स को जो आपकी मार्कशीट में दिखाई दे रही हैं उन सभी का मतलब समझाने की कोशिश की गई है। तो इस वीडियो में भी मैं आपको ये सारी की सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म करके दूंगा, ताकि जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं आपके मन में या आपकी मार्कशीट में कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जिसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस वीडियो के एंड में आप उन सभी चीज़ों के मतलब जान पाएंगे। और साथ ही काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या बिना फीस दिए रीचेकिंग करवा सकते हैं, तो इसका आंसर भी वीडियो के एंड में आपको ज़रूर मिलेगा। तो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम रिजल्ट्स या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में स्टूडेंट्स द्वारा पूछे गए हैं। अब सीबीएसई को बार बार इन क्वेश्चंस के रिप्लाई ना करना पड़े, इसीलिए उसने ये नोटिस जारी किया है जिसमें जो क्वेश्चंस ज़्यादा बार पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आरटी का मतलब क्या है। देखिए, आरटी का मतलब है रिपीट इन थ्योरी, ठीक है, रिपीट इन थ्योरी, यानी कि थ्योरी एग्ज़ाम जो है उसमें आपको रिपीट करना है अगर वहाँ पर आरटी लिखा है तो। पहले यहाँ पे क्या आता था, एफटी, एफटी का मतलब होता है फेल इन थ्योरी, लेकिन इस बार क्या किया गया है कि फेल वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि फेल वर्ड यूज़ करने से लगता है कि स्टूडेंट डीमोटिवेट हो रहा है और साथ में स्टूडेंट को ये भी लगता है कि वो दोबारा इसको पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि फेल का मतलब होता है कि कोई अटेम्प्ट किया गया उसमें हम फेल हो गए और दोबारा हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट ना करने की वजह से अब फेल वर्ड की जगह रिपीट वर्ड यूज़ किया गया है। उसके बाद आरपी का मतलब क्या है, आरपी का मतलब देखिए रिपीट इन प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में रिपीट करना है, जिसके भी मार्कशीट में आरपी लिखा है इसका मतलब ये है कि उसको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा देना है। उसके बाद ईआर, ईआर का मतलब क्या है, असेंशियल रिपीट, इससे पहले जो स्टूडेंट्स फेल होते थे, फेल का मतलब ये है उनको दोबारा से सारे सब्जेक्ट्स कंटिन्यू करने हैं। आरटी का मतलब है रिपीट इन थ्योरी कि सिर्फ उसी सब्जेक्ट में ही स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है, लेकिन पहले फेल आता था, फेल का मतलब स्टूडेंट फेल है उसको दोबारा से एक साल लगाना है, तो ये था फेल। लेकिन ईआर का मतलब है एसेंशियल रिपीट, यानी कि पूरा दोबारा से एक साल लगाना पड़ेगा स्टूडेंट को और रिपीट करना पड़ेगा उसी क्लास को, तो फेल वर्ड यहाँ पर भी यूज़ नहीं किया गया है। उसके बाद बात करते हैं आरएल, आरएल का मतलब क्या है। देखिए तो आरएल का मतलब है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिज़ल्ट लेटर, इसका मतलब ये है कि इसका रिज़ल्ट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट अपलोड नहीं हो पाया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर प्रॉपर डाटा ना होने की वजह से। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है अपना रोल नंबर सही से नहीं लिखते या फिर उनके पेपर्स मिलते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट अपलोड नहीं हो पाता, तो इसीलिए उनके यहाँ पे क्या आता है, आरएल, जब वो लिखते हैं या फिर
अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं तो वहाँ पे RL लिखा आता है, तो इसका मतलब ये है कि उनका अभी रिज़ल्ट क्या आएगा, लेटर, बाद में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो स्टूडेंट्स द्वारा पूछा गया है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स, देखिए प्राइवेट कैंडिडेट्स को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन थी इस बार, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ और सभी सब्जेक्ट जो कि जिनमें से काफ़ी 100 मार्क्स के होते थे, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें वो पहले 100 मार्क्स का होता था, इंग्लिश का भी पहले 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, लेकिन इस बार सारे के सारे सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक को 80 का कर दिया गया, यानी कि 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के कर दिए गए, बाकी कुछ 70 के भी हैं, लेकिन 100 का कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहा, जो थ्योरी सिर्फ 100 की हो, थ्योरी को रिड्यूस करके 80 कर दिया गया। अब जो प्राइवेट कैंडिडेट थे जिनका इस बार एग्ज़ाम होने वाला था या उन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया, वो तो प्राइवेट कैंडिडेट है, उनका स्कूल से कोई लेना देना होता नहीं है। तो मान लेते हैं इस बार आपने मैथ का एग्ज़ाम दिया, आपने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया 80 में से, और बाकी 20 आपको इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल से मिले, लेकिन जो स्टूडेंट पिछली बार कंपार्टमेंट में था वो इस बार जब एग्ज़ाम देगा उसने तो प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट ही नहीं किए या फिर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स तो मिलेंगे नहीं उसको, क्योंकि वो तो स्कूल ही नहीं गया, वो तो प्राइवेट कैंडिडेट है। तो उनके लिए ये कहा गया है कि उनके मार्क्स, मान लेते हैं कि 80 का एग्ज़ाम था इस बार, उन्होंने 80 नंबर का पेपर दिया, उनको 40 नंबर मिले, तो अगर 80 में से 40 हैं इसका मतलब उसके 50% नंबर आ रहे हैं, तो 100 में से कितने हो जाएंगे, 50, यानी कि प्रोपोर्शनेटली उसको नंबर दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पी का मतलब क्या है, देखिए प्रोग्रामिंग एरर, ऐसे ही जी का मतलब भी क्या है, प्रोग्रामिंग एरर, क्योंकि आजकल जो मार्कशीट है वो डिजिटली अपलोड की जाती है, यानी कि सब कुछ इंटरनेट पे रिलीज़ किया जाता है, तो जब इंटरनेट पे कुछ रिलीज़ करना होता है तो उसके पीछे क्या होता है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, तो कई बार प्रोग्रामिंग करने में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो वहाँ पर आपको पी या फिर जी दिखाई देगा। उसके बाद ये कहा गया है कि अगर हम वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन प्रोसेस करवाते हैं तो हमारे मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे। देखिए ये साफ साफ CBSE द्वारा कह दिया गया है कि रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन कह सकते हैं आप, या फिर वेरिफिकेशन कह सकते हैं, अगर वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन के दौरान आपके मार्क्स घटते हैं या बढ़ते हैं तो दोनों ही केस में आपके रिजल्ट पे अफेक्ट पड़ेगा, चाहे आपके मार्क्स घट रहे हों चाहे बढ़ रहे हों। तो नया रिजल्ट कैसा होगा, अगर आपके मार्क्स घटे हैं तो नया रिजल्ट आपके घटे हुए मार्क्स के हिसाब से होगा, और बढ़े हैं तो नया रिजल्ट आपका कैसा होगा, बढ़े हुए मार्क्स के साथ होगा। इसीलिए आपको रिवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन सोच समझ कर करवाना है। उसके बाद बात करते हैं ग्रेड्स की। आपने देखा होगा कि आपके मार्क्सशीट में मार्क्स के बगल में ग्रेड्स भी हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपके एक सब्जेक्ट में 60 नंबर आए हैं और दूसरे सब्जेक्ट में भी 60 की लाइन में ही चल रहे हैं, उसके बाद आप ग्रेड्स पे नज़र डालिएगा तो आपको ग्रेड्स अलग अलग दिखाई देंगी, कि एक सब्जेक्ट में 60 मार्क्स हैं उसकी ग्रेड्स अलग हैं, और दूसरे सब्जेक्ट में भी 60 मार्क्स हैं और उसकी ग्रेड्स अलग हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें क्या है कि जो ग्रेड्स दी जाती हैं वो दी जाती हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कितने बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया, कितने बच्चे इसमें पास हुए, तो इन सब चीज़ों को देखकर ग्रेड्स दी जाती हैं, इसीलिए आपको सेम मार्क्स आने के बावजूद ग्रेड्स अलग अलग दिखाई देंगी, क्योंकि ये ग्रेड्स कैसी होती हैं, रिलेटिव होती हैं, और ये हर साल चेंज होती रहती हैं, क्यों, क्योंकि कैंडिडेट्स, ज़रूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट को अगर पिछले साल 2 लाख बच्चों ने पास किया तो अगले साल भी 2 ही लाख बच्चे पास करेंगे, घट भी सकता है नंबर, बढ़ भी सकता है, इसीलिए ग्रेड्स हर साल अफेक्ट होती रहती हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होंगे, ये काफ़ी बार, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंपार्टमेंट को लेकर परेशान हैं कि कब कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होंगे ताकि वो उसकी तैयारी कर सकें, लेकिन कब होंगे अभी तक इसकी डेट नहीं आई है। CBSE कहता है कि जैसे ही कंडीशंस ठीक होंगी वैसे ही कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स को करवाया जाएगा, और डेट्स वगैरह अभी तक रिलीज़ नहीं की गई हैं, डेट रिलीज़ कर दी जाएगी बहुत जल्द।
उसके बाद कहा गया है कि अगर कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से, अगर कैंडिडेट्स को लगता है कि उसके मार्क्स जो रिजल्ट्स में शो किए जा रहे हैं वो सही नहीं है, तो क्या हो सकता है, तो वो वेरिफिकेशन करवा सकता है और कॉपी भी ले सकता है अपनी आंसर शीट की और रीवैल्यूएशन भी करवा सकता है। इसके बारे में मैं दो वीडियोस डिटेल्ड बना चुका हूँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं जो कि वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के ऊपर है। कैन द मार्क्स बी गॉट वेरीफाइड विदाउट अप्लाइंग द पेइंग फी, यानी कि ये कह रहा है कि अगर हम फीस पे नहीं करते और क्या हम वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना फीस को पे किए, तो इसका आंसर है ना। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि बहुत कॉस्टली प्रोसीजर हो जाता है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को 500 रुपये देना पड़ेगा हमें अगर हम वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद फोटोकॉपी मंगवाते हैं तो उसके लिए भी पैसे लगेंगे, एक क्वेश्चन को चेक करवाने के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रोसीजर काफ़ी कॉस्टली है, इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स द्वारा ये भी पूछा गया क्या बिना फीस दिए वेरिफिकेशन हो सकती है, तो CBSE ने मना कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक्स और जय हिंद।